हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं नीट 2024 के क्वेश्चन नंबर 113 को। सो क्वेश्चन नंबर 113 इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। सो आई थिंक हमें ऑप्शन रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ टोटी पोटेंसी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज ऑफ हम बोलते हैं टोटी मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल, पोटेंसी मीन्स हम कह सकते हैं पोटेंशियल। दैट मीन्स अ सेल हैव टोटल पोटेंशियल टू जनरेट अ होल ऑर्गेनिज्म। सो दैट थिंग वी से टोटी पोटेंसी। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन आप जानते ही हैं कि यहाँ पर भी हम एक स्मॉलेस्ट सेल लेते हैं एंड देन उससे प्रोपेगेट कराएँ या यू नो मल्टीपल्स ऑर्गेनिज्म हम फॉर्म कर लें उसे एक सेल से, या इवन टिश्यू कल्चर फॉर एग्जांपल हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम सेम थिंग ही बोलते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन पता ही है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना सेल का, एंड देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है कि हम सोमैटिक सेल लें और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कराएं। सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, हिंस सेकेंड ऑलवेज कट DNA मोलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकग्निशन सिक्वेंसेज एंड इट कंसिस्ट ऑफ। और उसमें कितने सिक्वेंसेज ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं जिससे वो डिवाइड करता है या DNA को यू नो सेपरेट करता है। सो इट इज़ सिंपल कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, 6 बेस पेयर। ओके, सो जो हिंस सेकेंड है वो ऑलवेज DNA को कट करता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसे हम रिकग्निशन सिक्वेंस बोलते हैं और वो 6 बेस पेयर पर होता है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें 8 बेस पेयर की, 4 बेस पेयर पर, 10 बेस पेयर पर, तो जो डिफरेंट यू नो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो इनको डिवाइड करते हैं। सो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।